हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज. इन लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम. इन दैट पॉलिटिकल सिस्टम वी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स. दैट इज डेफिनेशन क्या है? द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री और एरिया, एस्पेशली द डिबेट बिटवीन पार्टीज हैविंग पावर. और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? इट इज़ यूज फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक, कल्चर एंड अदर सिस्टम में भी आता है. फिर अपन ने देख के सर्टन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. फर्स्ट वन इज अनसेंट्रलाइज सिस्टम. उसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल देखा, वो है बैंड्स का. बैंड्स आर नथिंग बट अ स्मॉल फैमिली ग्रुप कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 30 to 50 पीपल. और ट्राइब्स क्या है? ट्राइब कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज. ट्राइब्स हैव मोर सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज चीफ और एल्डर्स. देन वी सॉ द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में क्या देखा अपन ने? उसके अंदर क्या रहता है? एक चीफडम रहता है. ये क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इफ़ यू कंपेयर विद द अनसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. ओके, इनइक्वालिटी और सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी यहाँ पर रहती है. यहाँ पर क्या है? दो या तीन, देर आर टू और थ्री टायर्स ऑफ पॉलिटिकल हायरार्की. देन वी सॉ ऑफ द सोवियत स्टेट. अ सोवियत स्टेट इज अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ परमानेंट पॉपुलेशन, अ पर्टिकुलर टेरिटरी, अ गवर्नमेंट एंड द कैपेसिटी टू हैव रिलेशन विद अदर सोवियत स्टेट. राइट, सोवियत स्टेट क्या है? ये एक स्टेट है जिसके अंदर परमानेंट पॉपुलेशन है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेरिटरी है और वो दूसरे टेरिटरी के साथ भी अच्छे से रिलेशन रखते हैं. देन वी सॉ अ सुपर रैशनल पॉलिटिकल सिस्टम. दिस आर क्रिएटेड बाय इंडिपेंडेंट नेशन टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और बिकम स्ट्रॉन्गर बाय फॉर्मिंग एन अलायंस. एम्पायर क्या है? एम्पायर आर बिग स्टेट और कम्युनिटी अंडर अ सिंगल रूल. राइट, एम्पायर मेड प्रोग्रेस इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. फिर उन्होंने बिल्ड सिटीज़ वगैरह बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया एंड दे ट्राई टू मेंटेन इन द डिफरेंट कम्युनिटी. देन वी सॉ अबाउट द लीग. लीग आर नथिंग बट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. राइट, जैसे अपन बोलते हैं ना IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, देन WHO है और बहुत से लीग है जो एक ही, जिनके पास अलग अलग मोटो से सब कोई, हर कोई लीग काम करता है. एक ऑफन एक लीग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? एक तो मिलिट्री स्ट्रांग बनाने का, और एक क्या है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है तभी भी लोग लीग बनाते हैं ताकि वी कैन ओवरकम दैट. देन फिर मीटिंग वगैरह, जब लीग फॉर्म होता है तो उसकी मीटिंग्स वगैरह होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं अलग अलग नेशन के, सो दैट दे रिप्रेजेंट देयर नेशन इन दैट लीग एंड ऑल. Now we'll move towards the next point, that is the Indian political system. India, with a huge population of 1.3 billion and an electorate of around 900 million, 2019 is the world's largest democracy. See, अभी जब अपन Indian political system की बात कर रहे हैं उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं? इंडिया के पॉपुलेशन की, इंडिया के पास क्या है? ह्यूज पॉपुलेशन है. इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.3 बिलियन, एंड दैट इज इक्वल टू अराउंड 900 मिलियन इन 2019. और अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री की अगर आप बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे डेमोक्रेटिक लार्ज, आप इंडिया स्टूड एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. राइट, पॉपुलेशन वाइज एवरी वन नो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री. राइट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? चाइना में है. उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया में है. मूविंग फॉरवर्ड, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज अ मच मोर रिसेंट डिबेट फ्रॉम इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1947. अपना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? बहुत रिसेंटली है क्या? बहुत रिसेंटली है क्या? यस, नया ही नया ही तो है ऑब्वियसली.
नया नया ही तो है, क्योंकि जब ब्रिटेन से अपने को आज़ादी मिली तभी तो अपना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर्म हुआ है, तभी अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर्म हुआ है। अपने को इंडिपेंडेंस कब मिला? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1947। उसके बाद अपन ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद अपन ने अपना एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड ऑल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड एडवोकेट्स जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन। फिर अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में काफ़ी साल गए। डॉक्टर अम्बेडकर इज सेड टू बी द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक उन्होंने ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उनकी वजह से ही आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बोला गया है, लिखा गया है, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू गेट चांस रीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वंस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या था? एवरी वन गॉट प्रॉपर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, राइट? हर किसी को आज़ादी है, हर किसी को लिबर्टी जस्टिस सब कुछ दिया गया है एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एम्बेडेड नेशनल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, उसको अपन ने क्या बोला है, ये विच इज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्बेडेड नेशनल डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मैनी ऑफ दिस अमेंडमेंट्स हैव रिजल्टेड ड्यू टू लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट ओवर द राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट सोवरेनिटी एज दे क्लैश विद दोज ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आज क्या बोलते हैं, अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट बोला जाता है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट? फिर इसमें चेंज करना कुछ भी बोला ना तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, यानी क्या, हाँ, मैनी ऑफ दिस अमेंडमेंट हैव रिजल्टेड ड्यू टू लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट। बहुत से डिस्प्यूट चले, बहुत से आर्ग्यूमेंट हुए, हर चीज़ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह चलता है, लाइक पहले पार्लियामेंट पे चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होता है इसमें। क्यों? क्योंकि बहुत से राइट्स, जुडिशियल राइट्स, लॉज सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा अच्छे से मालूम है, तो क्या होता है, बहुत से बातों में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, राइट? तो सबकी मर्जी जानने के बाद ही आप कोई भी लॉ अमेंड कर सकते हो, कोई भी लॉ चेंज कर सकते हो। लाइक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो आज चेंज करना आसान नहीं है। आपको चेंज करने के लिए दोनों हाउस की परमिशन लगती है, लोकसभा राज्यसभा की परमिशन लगती है, प्लस सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन लगती है, तब भी लॉ वगैरह चेंज होते हैं। वरना ऐसा आज चेंज करना बोला तो ऐसे ही आसानी से लॉ वगैरह अपना कुछ भी चेंज नहीं हो पाता, नथिंग कैन बी चेंज्ड इजीली। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज लोअर हाउस लोकसभा इज मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, बट इट्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सी वी हैव अ टू हाउस पार्लियामेंट में, अपने दो हाउस है, वन इज़ द लोकसभा एंड वन इज़ द राज्यसभा। अब लोकसभा कहाँ से आया, ये लोकसभा की आइडिया अपने पास कहाँ से आई, कि गॉड दिस फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। सी अपने यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वेरी ट्रू, एवरी वन नोज अबाउट इट, राइट? तो ब्रिटिश में क्या था, ब्रिटिशर्स हैज़ द हाउस ऑफ कॉमन, राइट? उनके पास वो हाउस ऑफ कॉमन था,
वो आइडिया अपन ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली एंड वी हैड अवर लोअर हाउस दैट इज़ द लोकसभा. बट वो जो सिस्टम है वहाँ की, जो हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का जो सिस्टम है, वो सेम सिस्टम अपन ने अपने लोकसभा में नहीं अपनाया है. वो जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वगैरह है, उसके अंदर कैसे काम करना है क्या नहीं, ये अपन ने कहाँ से लिया? ये आइडिया अपने को आया यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से, दैट इज़ यूएस, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रेफर्स टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. सी, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली इंडिया को क्या बोला है? एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. एंड विच इज़ यूज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया इज क्वाजी फेडरल सिस्टम. और जो मेन स्ट्रीम ऑफ मीडिया यूज़ किया है उसको अपन ने क्या बोला है? क्वाजी फेडरल सिस्टम. सी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन? इंडियाज लोअर हाउस इज मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, बट इट्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. द कॉन्स्टिट्यूशनल यूजली रेफर्स टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड विच इज यूज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया इज क्वाजी फेडरल सिस्टम. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट विथ अ सेरेमोनियल रोल. सी, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया. अभी इंडिया पूरा कौन चलाता है? इंडिया इज रूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बट हेड कौन है? हेड इज़ द प्रेसिडेंट. नाउ अब प्रेसिडेंट क्या है? पूरे जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट माना गया है. सी, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट विद द सेरेमोनियल रोल. द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ पार्लियामेंट्री बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन एंड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हिज रोल इज पिवोटल. अभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? अगर कोई पार्लियामेंट बिल आया उसके पास साइनिंग के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट वो बिल वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में कि आई फील डाउट ऑन दिस बिल, सो रिकंसिडरेशन के लिए क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट हैज़ दैट अथॉरिटी टू सेंड दैट बिल बैक टू द पार्लियामेंट. ओके, ऐसा नहीं कि बाबा पार्लियामेंट में सैंक्शन होके आ गया तो प्रेसिडेंट ने साइन कर देना चाहिए. नहीं, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं बाबा ये मेरे को बिल बराबर नहीं लग रहा है, आई एम फाइंडिंग सम डिफ़िकल्टी इन दिस, कि मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, ही कैन सेंड दैट बिल टू द पार्लियामेंट. फिर से रिकंसिडरेशन करो, फिर से इस पर विचार करो बोल के प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, इन सेकेंड कब प्रेसिडेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है? जब कोई क्राइसिस आती है, जब पार्लियामेंट पे कोई मुसीबत आती है, तो फिर क्या होता है? रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज इनएविटेबल. मतलब प्रेसिडेंट का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. प्रेसिडेंट का रोल आप अवॉइड ही नहीं कर सकते. ही कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी. हाँ, अभी एमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट स्टेट में. मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट को भी बहुत सी अथॉरिटी है और प्रेसिडेंट भी बहुत से डिसीजन ले सकता है एज ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. सो इसके उसी नाते के हिसाब से क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी. अगर अपने देश पे या किसी स्टेट में क्राइसिस आ जाती है तो व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू? He can declare emergency in that state. He can declare a state of emergency which enables the Lok Sabha to extend its life beyond the normal 5 years term. See, अगर आपको पता चल रहा है कि बाबा अपने देश में emergency आ गई है and all crisis चल रहा है, तो जो एवरी 5 years का जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, इट गेट्स एक्सटेंडेड.
इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स. ओके, तो वो इलेक्शंस क्या हो जाते हैं, ये जो टर्म है लोकसभा का, जो नॉर्मल 5 ईयर्स का टर्म है, इट कैन गेट एक्सटेंडेड ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज नियरली 5,000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हु फॉर्म और इलेक्टेड कॉलेज आर एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सी, अभी हु कैन वोट फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए वोट कौन कौन कर सकता है? ऐसे प्रेसिडेंट कोई भी बन जाएगा क्या? नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी वोटिंग करना ज़रूरी है. हु कैन वोट फॉर द प्रेसिडेंट? नियरली 5,000 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. सी, पार्लियामेंट के 5,000 मेंबर्स. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर और फिर इलेक्ट्रल कॉलेजेस, दे आर एलिजिबल टू वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. There is also the post of vice president who is elected by the members of an electorate college consisting of both houses of parliament and the chair, the upper house called the Rajya Sabha. See, अभी क्या है यहाँ पे अपन president की elect करने की, we are talking about the importance of president. फिर अपन किसकी बात कर रहे हैं, फिर अपन president को कौन elect करता है इसकी बात कर रहे हैं, कौन vote कर सकता है president को, ये अपन बोल रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? अगर प्रेसिडेंट को कुछ होता है, अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो जब प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, तभी वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और राज्यसभा का हेड, द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उसको भी इलेक्ट किया जाता है. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोअर हाउस और लोकसभा. अब प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होगा? किसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? प्राइम मिनिस्टर कौन डिसाइड करे, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. अच्छा, प्रेसिडेंट किसी को भी उठ के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है क्या? नहीं, जो पार्टी जीत के आती है. अभी अपने पास कितनी सारी पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, हाँ, जन बहुजन मुक्ति समाज पार्टी एंड ऑल, शिवसेना है, कितनी सारी पार्टी है. बट एक पार्टी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीत के आती है, राइट? राइट नाउ बीजेपी इज़ द रूलिंग पार्टी. तो बीजेपी में से खुद जो इलेक्ट हुए, जो जीत के आए हुए नेता है, उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. अब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वो लोग अंदर के अंदर इलेक्शन लेते हैं, राइट? जो सबसे ज़्यादा वोट करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है. सो प्राइम मिनिस्टर क्या है? The head of the government is the prime minister who is appointed by the president on the nomination of the majority party in the lower house or Lok Sabha. Ministers are then appointed by the president on the recommendation of the prime minister and this minister collectively form the council of ministers. Abhi see, prime minister and council of minister, ye dono kya karte hain? दे बोथ प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया. तो अभी प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्रेसिडेंट क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है कुछ नाम प्रेसिडेंट को कि इनको मिनिस्टर्स बोल के अपॉइंट करो, और ये मिनिस्टर्स कलेक्टिवली दे फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट? जैसे रेलवे मिनिस्टर है, एडुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, देन ड्रग मिनिस्टर है, हर चीज़ का मिनिस्टर है. तो फिर कुछ मिनिस्टर्स के जो स्पेशल मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम रिकमेंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है.
और ये जो मिनिस्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं दे फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ प्ले अ मेजर रोल इन रूलिंग द कंट्री. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच. द लोअर हाउस लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल हैज मैक्सिमम साइज ऑफ द लोकसभा इज 552 मेंबर्स. सी ये जो लोकसभा है इसको अपन बोलते हैं लोअर हाउस. ओके और जो राज्यसभा है उसको अपन बोलते हैं अपर हाउस. राइट अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं 552 मेंबर्स हो सकते हैं. राइट फाइव मैक्सिमम 552 है. अब 552 मेंबर्स कहाँ से आते हैं डिपेंड अपॉन द साइज स्टेट का कितना साइज है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. अगर आपका स्टेट छोटा है जैसे गोवा छोटा स्टेट है तो गोवा के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट 4 to 5 दैट्स इट. हाँ अभी उत्तर प्रदेश वगैरह क्या है बड़े बड़े स्टेट्स है तो उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव है ऑलमोस्ट 15 to 20 रिप्रेजेंटेटिव्स है. राइट तो डिपेंड्स अपॉन ये किस पर डिपेंड होता है सारा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट. ओके तो 552 मेंबर्स है उसके कंसिस्टिंग अप टू 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग पीपल फ्रॉम द स्टेट ऑफ इंडिया. अच्छा 552 मेंबर्स बोल रहे अपन मैक्सिमम उसके अंदर के 530 मेंबर्स क्या करते हैं दे विल रिप्रेजेंट द स्टेट. अलग अलग स्टेट के मेंबर सारे मिला के 530 होते हैं और 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग पीपल फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज. अभी 20 पीपल कहाँ के रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के रहते हैं. अपने पास कितने यूनियन टेरिटरीज हैं देर आर 7 यूनियन टेरिटरीज. राइट उन 7 यूनियन टेरिटरीज के 20 मेंबर्स रहते हैं और 2 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. इस हिसाब से सारा टोटल 552 होता है. सी अपने को कितने टोटल चाहिए 552 मैक्सिमम मेंबर्स की टोटल चाहिए. राइट उसमें के 530 कहाँ से आते हैं जो अपने स्टेट्स है 28 स्टेट्स है वहाँ से 530 मेंबर्स अपन इलेक्ट करते हैं लाइक रिप्रेजेंट करते हैं. राइट एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. करेंटली द साइज ऑफ द हाउस इज 545 मेड अप ऑफ 530 इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स 13 इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज एंड 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सी करेंटली अपने लोअर हाउस में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं 545 मेंबर्स हैं. राइट 545 कहाँ से हो गए कैसे आए 530 दे आर फ्रॉम द स्टेट्स जो अपने स्टेट्स हैं उसके उधर से 530 आए 13 केम फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज अपने जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से 30 आए एंड 2 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. देर आर सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी वेर ओनली कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर अलाउड टू स्टैंड एंड ईच मेंबर रिप्रेजेंट अ ज्योग्राफिकल सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलोइंग द ब्रिटेन मॉडल फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स. अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से क्या है सिंगल मेंबर रहेगा फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो. लाइक अभी आप रिप्रेजेंट होके आए हो तो क्या है सिर्फ जो बड़े बड़े कास्ट के वही रहेंगे क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा में नहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब. अभी सपोज महाराष्ट्र स्टेट है राइट महाराष्ट्र स्टेट के आपको कितने मेंबर्स अगर बोलेंगे कि 15 मेंबर्स अपने को अपने लोकसभा में जाएंगे उनको रिप्रेजेंट करना है लोकसभा में तो क्या है सारे अच्छे अच्छे लोग रहेंगे क्या नहीं शेड्यूल कास्ट के 2 रहेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के 2 रहेंगे अलग अलग कास्ट के मेंबर्स रिप्रेजेंट होंगे और क्या होगा इस तरह से ये और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ये सारा कहाँ से आया जो अपना ब्रिटिश मॉडल है ना ब्रिटिश मॉडल फॉर द हाउस ऑफ कॉमन उनके इसमें भी वैसा है वही अपन ने अपने इसमें लिया है.
Each Lok Sabha is formed for a 5-year term, after which it is automatically dissolved unless see Lok Sabha में जो member select होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं. 5 साल के बाद अपने आप automatically वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. अगर इमरजेंसी हो तो ही नहीं होती है, लाइक अनलेस अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज गिवन. दिस हैज हैपेंड ऑन 3 occasions, 1962 से 1968 में और 1971 में, 1975 और 1977 में. सी, 3 बार ऐसे हुआ है कि बाबा लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, वो अपने देश में इमरजेंसी थी इसलिए लोकसभा के इलेक्शन 6 महीने तक आगे ढकले गए थे. ये जो मेंबर्स है उनका टाइम सबका एक्सटेंड हो गया था 6 महीने तक. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. द नेक्स्ट पॉइंट्स विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी. माई मेल आई डी इज रसिका.pagaria@arham.edu.in. थैंक यू.